अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है बिकॉज हम कर रहे हैं सके चाचू की एंगेजमेंट की तैयारी और हम जाएंगे कश्मीर बिकॉज लड़की वाले हैं कश्मीर। शॉपिंग हमने स्टार्ट कर दी हुई है, कपड़े हम ले आए थे, बस कुछ मैचिंग जूता चूड़ियाँ ये सारी चीज़ें रहती थी। तो आज हम बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ईसा मेरा उठ गया हुआ है, पहले मैं ईसा को रेडी करूँगी और ईसा को हम घर छोड़ के जाएँगे क्योंकि बाज़ार में बच्चों को लेके जाना बहुत मुश्किल है। पहले मैं सोच रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ कश्मीर बहुत दूर है, एक बहुत लंबा सफ़र है, तो ईसा के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर सबने बहुत फोर्स किया कि जाना ही जाना है, तो फाइनली हम रेडी हैं। ईसा मेरा बेचारा दास बैठा हुआ है कि मामा रोज़ छोड़ के चली जाती हैं और लिटरली आज 3 दिन हो चुके हैं मैं ईसा को घर छोड़ के बाज़ार चली जाती हूँ। तो अब जाहिर है अब गुस्सा करना तो बनता है ना मेरे बेटे का जी। सबसे पहले हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट लकी के लिए चूड़ियाँ मैच करने के लिए। सो फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमने एक चूड़ियों का सेट लाया और ये बहुत अच्छा मैच है, बहुत प्यारी है। मैचिंग चीज़ें हम ले आए हैं और फ्लावर्स बास्केट सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। प्यारी सी बास्केट्स हम डेकोर करेंगे। अलीशा और सारिश ने इसमें बहुत मेहनत की है चीज़ें ढूंढने में बिकॉज चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल था। और ये रहा हमारा ब्राइड का ड्रेस, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और ये मैं पहनूंगी तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैचिंग खुस्सा, मैचिंग एयरिंग्स हमने बहुत प्यारे मैच किए हैं। इसको वाइट पर्ल्स लगे हुए थे, हमने इसके पर्ल्स चेंज कराए हैं और बैंगल्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं। मेरी नज़र है इस पूरे सेट पे, प्लीज़ मुझे कोई गिफ्ट कर देना। अब मैं करूँगी बास्केट्स को डेकोर और आज मैं आप लोगों को अपना किचन टैलेंट दिखाऊँगी। बहुत मेहनत लगती है लेकिन बहुत प्यारी लगती हैं। किसी ने डेकोर करानी हो ना मुझसे करवा सकते हैं। गोदू में चूना है, तंग नहीं करोगे तो नहीं, इतनी दूर कार से क्या करने में, जगह ही नहीं, फिर पूरी सीट देनी पड़ेगी ना। दादो क्या कह रही हैं, दादो की वाइफ जी ईसा लव पबी कह रही है मैचिंग लगाओ हैं, मैचिंग लगाओ मेरी भाभी के सूतों पे है ना। आप जा रहे हो मंगनी पड़ी सब, ईसा नहीं जा रहा, ईसा ने तो शॉपिंग की हुई है। ईशा की शेरवानी आपको तो हाँ, शेरवानी भी हमने ली हुई है ऐसा जी। तो डेकोर मेरा इन प्रोसेस है, मैं आप लोगों को कंप्लीट लुक दिखाऊंगी बिकॉज अगर हर चीज़ की वीडियो बनाई तो वीडियो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाएगी, तो आप लोग देखें। टन टना, फाइनली बास्केट रेडी हो चुके हैं, एंगेजमेंट की ट्रे मैंने रेडी कर लिया है, खुद बनाई है स्पेशली रेजन आर्ट से, और बाकी कंप्लीट लुक आपके सामने है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही होगी। फाइनली बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग। ये रहा ईसा का आउटफिट जो ईसा पहनेगा एंगेजमेंट पर, और ये रहा मेरा आउटफिट जी, हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। और ये मैंने साथी वाले शूज़ रखे हैं बिकॉज ना तो इसके साथ वायर अच्छे लगने थे ना तो इसके साथ ब्लैक अच्छे लगने थे, तो मुझे लगा शायद ये ज़्यादा कूल लगेंगे। और अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग। नेक पिलोज मैंने रख ली हैं, पर्पल वाला मेरा है और ब्लू वाला ईसा का है। चले मैं पैकिंग करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गई थी, मेरे बेटे की बेगम के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ कितनी गलत बात है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें चली जाएंगी। पांडू मेरा रेडी हो गया और पता नहीं किस बात के घूमने चले हुए हैं, नहीं जा रहा है, क्यों ड्रामे कर रहे हो हैं, कू रो रहे हो, क्या मसला है, कू रो रहे हो। गैस आ नहीं रही, हमने रेडीमेड काम किया तो ना प्यार पता लगेगा, फिर वो जाएगी लगा के। हां जी ईशा जा रहा है कश्मीर, ईशा कश्मीर जा रहा है,
चाचू की मंगनी में जा रहा है, शिदके जा लड़की को गूठी बनाने जा रहा है। ईशा हम तेरी कर देते हैं मंगनी, वो 13 साल के बच्चे ने शादी की है ना, हम कहे ये ईशा ने 5 महीने की शुरुआत है तो शादी में कब से जी सा जा रहे हो फिर? हमें 3 बजे को उठाया हुआ है और 4 बज गए हैं और हम सामान ऐसे लेके जा रहे हैं, हम जैसे 3 महीने के लिए जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है। ओह सॉरी, बारिश रुक गई है। जी सा चले चले फिर ज़्यादा। इस लालच वाली गाड़ी से अच्छा था हम कोई लोडर रिक्शा करवा लेते, उस पर चले जाते। अल्लाह की कसम इतनी जलालत, इतनी खुआरी। कोई सारी से और अनीशा से और मेरे से पूछो कि हम कैसे जा रहे हैं, कितना जुल्म हुआ हमारे पे। फाइनली कितने 10-12-14 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं कश्मीर। कसम बहुत बुरी हालत हुई है, लेकिन जब घर को देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। घर की सबसे खूबसूरत साइड है बैक साइड। और यहाँ से बाहर आते हैं तो ये पूरा पूरा जंगल है और ये सारी जगह हमारी है, मतलब यहाँ पर और हट्स बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है, स्विमिंग पूल बन सकता है। जितना मर्जी अच्छा घर बना ले, बैठना इन्होंने यही है। तो फुफराहट नमाज के जलालत भरे सफर के बाद अम्मी बीना ने की है हमारी अच्छी सी खातिर, तो आज मज़े मज़े की ब्राउनीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, पफ्स हैं, रिजवाना को ट्राई कराते हैं। कप डाली हुई है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तेल पैन की जल्दी चले जाता नहीं, वापसी हो जा नहीं सकते, इनके रोड पर लागू है। आप छोड़ने वाले जी, मैं हम ऊपर गोटियां लिए हैं पीछे, कश्मीरी समझ आ रही है हम लोगों को? आप तो नहीं आए मारा, कितने झूले हो, कितने झूले, कितने झूले हो कितने गड्ढे बाबा। ईशा झाड़ कान जा रहा, इतनी टूटी सड़क इधर गाड़ी भी नहीं जा। टोपी कुछ इतनी टोपी मम्मा के पास है, मुन लवाई शक। मेरा पुत्र बेचारा तंग पड़ा हुआ है कसम। इसे कह रहा व्हाट इज दिस, मुझे कहाँ ले आए हो? हम थक गए हैं, कहाँ से आए हम? वो दूसरे पार से ईशा को, ईशा के दादा को उठाया हुआ है। हेलो बक्कू, कहाँ आ गई? ठीक हो? लौट जाना है? मैं कराची जा रही हूँ। मिमी मेमनी और भी है ना इतनी सारी, इंतजार ही करना। बेटा बेचारा 20 घंटे से जाग रहा है, अभी तक इसकी नींद पूरी नहीं हुई, पर धूप से बुरा हाल है, 10 साल है इसके। फाइनली कश्मीर आने का असल मकसद पूरा हुआ जाता है, खाना खा रहे हैं, मजे में खाना।
देसी मॉल में चाय रेडी हो रही है, जरा खोल के दिखाएं। पौआ दियो मारा ने। बातों की बातें मैं कहती हूँ, जो नेचर है वो कोई चीज़ नेचर को बीट नहीं कर सकती। बहुत खप डाली हुई है घर वालों ने, चलो 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 चलो, आने की भी जल्दी जाने की भी जल्दी, चलो चले चलो। भैया हम जा रहे हैं बाजू, सर तुम्हारा फेस हमें व्लॉग में आ गया, मैं एडिटिंग नहीं कर सकती, सॉरी। कोई नहीं पूछेगा कौन है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ इट्स ओके, वी आर वो अपनी तो सेट अपनी है ना, एस कुड़ी को पूछे से चुना तंग ही पहन ली है ये दो, लेना वो हौसलाते दे ना, मुझे देख के इनको हौसला नहीं हो रहा, कहीं हौसला हो रहा है। मामा हैविंग फन ऑन बाइक, वो भी अप्लाई फॉर बाइक, हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद मामा। वो गाइस एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ गाड़ी नहीं आती, इसलिए हम ऐसे खुआर हो रहे हैं, वरना तो हमारी फॉर्च्यूनर बाइक, वरना माय ब्रदर्स की तो लाइनें लगी है। ये लड़की पहली दफ़ा गांव आई है तो स्नैप बना बना शदाई हो रही है, हम किसी को नहीं बताएंगे कि यही रहती है। गाइस ये सारी ज़मीन हमारी है, जितनी दूर तक आपको नज़र आ रही है आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सच है, बस घर वाले बेचते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि ये बेच के हम यूके में अपने फ्लैट्स लें, बट यू नो वो ये पुरानी थिंकिंग, बट यू नो कि हमारे बड़े बूढ़ों की जायदाद है। ईसा मेरा सोई सोई करता आया, सोई सोई करता जा रहा है, चारे को नहीं मुझे ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो दोनों? छुड़दा रमान ना, बस जा रही हूँ, क्या घूम घूम देख रही हो? अलीशा के बकौल ये जादू ही कुआं है और इसे सोने का सिक्के निकल देते हैं। या या इसीलिए ये बेचारी आज तक गरीब है, एक दिन वो हम ले गरीब है। फाइनली वी आर गोइंग बैक टू लाहौर, जो भी कह लो भाई, लाहौर लाहौर है। फाइनली थकान मेरे सफ़र के बाद हम लोग लाहौर वापस आ चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।